विज्ञापन पर पहले भी विवाद खड़े होते रहे हैं। इस बार डिटर्जेंट बनाने वाली एक कंपनी का विवाद सुर्खियों में है। होली के मौके पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द को दिखाने के मकसद से यह विज्ञापन बनाया गया है, पर कईयों की त्योरी चढ़ गई है और सोशल मीडिया पर है हैशटैग। कई लोगों ने इसे धार्मिक रंग दे दिया है तो कई लोगों ने इसे लव जिहाद का नाम दिया है। 90 लाख से ज्यादा बार देखा गया है यह विज्ञापन। डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी सर्फ एक्सेल के विज्ञापन की टैगलाइन दाग अच्छे हैं तो पुरानी है, पर इसी टैगलाइन के साथ नए विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है। होली पास आने वाली है और त्योहार के मौके पर यह विज्ञापन खास तौर पर बनाया गया है। 1 मिनट के इस विज्ञापन में एक बच्ची दिखाई गई है जो कि साइकिल पर जा रही है। उस पर गली के बच्चे रंग से भरे गुब्बारे फेंक रहे हैं। बच्ची मुस्कुराते हुए सभी गुब्बारे अपने कपड़ों पर गिरने देती है और जब सभी गुब्बारे खत्म हो जाते हैं तब वह अपनी साइकिल एक घर के बाहर रोकती है। वह बच्ची एक बच्चे से कहती है, बाहर आ जा, सब खत्म हो गया। उस बच्चे ने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा है। बच्ची उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर मस्जिद के बाहर छोड़ आती है। मस्जिद में जाते हुए बच्चा कहता है कि वह नमाज पढ़कर आ रहा है। इस पर बच्ची कहती है, बाद में रंग पड़ेगा। वह बच्चा खुशी से हामी भर देता है। विज्ञापन इसी लाइन के साथ खत्म हो जाता है, अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाएं तो दाग अच्छे हैं। विवेक अग्निहोत्री एक फिल्मकार, उनका इस विज्ञापन के बारे में कहना है, वैसे तो मैं क्रिएटिव आजादी का पक्ष धरूं, लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि इस तरह के बेवकूफ कॉपीराइटर भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में बैन हो जाने चाहिए, जो यहाँ की गंगा यमुना तहजीब से यमुना को अलग करना चाहते हैं। बाबा रामदेव भी इस तरह के माहौल से अपने आप को दूर नहीं रखते हैं। बाबा रामदेव का इस बारे में कहना है, हम किसी मजहब के विरोध में नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लगता है जिस विदेशी सर्फ से हम कपड़ों की धुलाई करते हैं अब उसकी धुलाई के दिन आ गए हैं, क्योंकि रामदेव को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं इसलिए वह हर तरह के मामले में अपनी टांग जरूर फंसा देते हैं। सोशल मीडिया यूजर संदीप देव कहते हैं, समाज में नफरत घोलने वाले, त्योहारों में भी हिंदू मुसलमान करने वाले सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। ये होली के रंग से सराबोर एक प्यारी सी बच्ची अपने मुस्लिम दोस्त को रंगबाज बच्चों से बचाकर मस्जिद छोड़ती है और कहती है, बाद में रंग पड़ेगा। पता नहीं धर्म अंधता का कौन सा चश्मा पहनकर लोग खूबसूरत रंगों में नफरत का रंग उड़ेल कर मुहिम चला रहे हैं। खुशियों से भरे त्योहारों में भी हिंदू मुस्लिम करने वाले व लव जिहाद ढूंढने वालों को अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। यह थी SM न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी खबरें पहुंच सकें आप तक सबसे पहले।